हाय गाइस, मैं नाम सागर आर चौहान है। एंड कैसे हो आप लोग? आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज थोड़े दिन पहले मेरा बर्थडे था एंड मैंने अपने आप को मुझे खुद को यूजुअली मैं अपने आप को गिफ्ट नहीं देता हूँ, पर लेकिन इस बार आई थॉट कि यू नो आई विल गो अहेड एंड गिव गिफ्ट टू माई सेल्फ। एंड मैंने अपने आप को एक वन प्लस इलेवन आर फ़ोन गिफ्ट किया एंड दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द फ्रंट कैमरा जो जिसके वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ। एंड आई थिंक मेरे मेरे वीडियोज अभी काफ़ी अच्छे आएंगे, मुझे एक अच्छा बड़ा सा फ्रेम मिल जाता है। सो आज का टॉपिक ये था कि बैड बॉय से पहले मैं क्या कर रहा था। बैड बॉय एक फिल्म है विच इज़ गेटिंग रिलीज ऑन April 28, स्टारिंग अमरीन नबाशी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी जी एंड प्रोड्यूस बाय इनबॉक्स पिक्चर्स। और वो फिल्म में मैंने भी एक अच्छा सा रोल प्ले किया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एक छोटे बच्चे की तरह मैं खुश होता हूँ जब व्हेनेवर एंड जैसे ऐसा दिन देर नज़दीक आ रहे, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। सो एक्चुअली बैड बॉय से पहले आई वॉज गोना क्विट एक्टिंग। मैं एक्टिंग को यू नो हम्बली नमस्कार करके मैं रिटर्न कुछ और पकड़ने वाला था। वैसे मेरा एक ऑन गोइंग बिजनेस था तो मैंने सोचा था कि मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा यू नो फोकस करके सॉरी आवाज़ आ रहा था। सो बैड बॉय से पहले मेरी एक कंपनी थी एप्सिलॉन मीडिया करके एंड आई वी यूज टू बी हैविली इन्वॉल्व विथ यू नो मार्केटिंग। सो आई वॉज लाइक यार मेरा कुछ एक्टिंग में हो नहीं रहा है। उसके पहले मैं बालाजी टेलीफिल्म्स की एक सीरियल थी, क्या नाम था उसका, प्यार की कसौटी करके नाम था एंड उसमें अच्छा खासा रोल था मेरा। एंड उस पर मैंने कुछ चार नहीं पाँच से छः महीने काम किया लेकिन वो बाहर नहीं आया। सो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड एंड मैं बहुत ज़्यादा ऑडिशन दिए मैंने तकरीबन यू नो एक्टर्स बोलते कि मैंने 1000 ऑडिशन दिए हैं। आपको ये यू नो फेक लगता होगा लेकिन एक्टर्स डू गिव मोर देन 1000 ऑडिशन और मैंने ही दिए हुए हैं। एक दिन में तकरीबन कोई भी एक नॉर्मल एक्टर भी 20 से 25 ऑडिशन देता ही देता है। एंड जो एक्चुअल में एंथुजियास्टिक है वो सारे देता है, सिर्फ एक्टिंग के नहीं, एक्टिंग के हो, एड्स के हो। एंड वो करते करते मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था एंड आई वॉज लाइक कि नहीं यार, एंड मैं ऑलमोस्ट एक्टिंग गिव अप करने वाला था। आई वॉज गोना फोकस ओनली ऑन माई कंपनी। एंड उसके पता नहीं कैसे क्या होता है, मुझे सडनली जब मैं बीमार था मुझे कॉल आया एंड वो कॉल के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। आई वुड से एक और पर्सनली मेरे लिए लाइफ चेंज होना मतलब डेफिनेटली एक कमर्शियल बूस्ट मिलता है, बट एक होता है ना कि जो एक आर्टिस्ट होता है ना कि यार हम लोग एक किसी को भी अगर आर्टिस्ट बनना होगा उसका एक सपना होता है एंड वो सपना एक चाह होती है। एंड जब मैंने अपना एक्टिंग चालू किया था, एक्टिंग की जर्नी चालू की थी ना, उसमें इंस्टाग्राम था ना फेसबुक था ना यूट्यूब था एंड इतना स्कोप नहीं था मुझे ना मुझे नॉलेज थी। एंड सो हमारे लिए ये था कि हम लोग एक्टिंग स्कूल में जाए, बहुत ही ज़्यादा स्वेट ब्लड टीयर्स यू पुट इनटू इट एंड यू आर लाइक कि ठीक है काफ़ी अच्छा है, नाउ आई विल बी समबडी, नाउ आई विल बी यू नो एज एन एक्टर। और हम लोग ऑडिशन को जाते हैं एंड ऑडिशन में जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है या फिर उनके असिस्टेंट होते हैं वही स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं। स्ट्रगलिंग एक्टर्स बोलना बहुत ख़राब लगता है लोगों को, सो वो भी एक टाइप के एक्टर्स होते हैं जिन्होंने यू नो कुछ कोर्स नहीं किया है, कैमरा लेके दे आर लाइक एक्टिंग ऐसी करो ऐसी करो एंड उसमें तुम्हारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियाँ उसमें ही फेल हो जाते हैं। ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है कास्टिंग की एंड काफ़ी लोग बोलते हैं यार कास्टिंग डायरेक्टर्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, मैंने देखा है मेरे सामने क्या होता है। सो बैड बॉय जैसे मैंने साइन किया, मैंने जैसे आपको बताया कि घर पे खुशियों का माहौल था एंड कौन नहीं चाहता है या सब लोग घर पे खुश हो। और उसके बाद पूरा ये स्केड्यूल ख़त्म होने के बाद मैंने बैड बॉय के बाद राजकुमार संतोषी जी और उनकी टीम ने मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी थी जो कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। आई वॉज गुड इनाफ फॉर द रोल। एक गांधी वर्सेस गोडसे करके उनकी एक फिल्म थी जिसपे एक इम्पॉर्टेंट किरदार मुझे दिया था एंड आई वॉज लाइक ए वेरी गुड, बट एंड मोमेंट पे देर वॉज समबडी वॉज बेटर देन मी, और आई वुड से कि देर वॉज समबडी हु वॉज एग्जैक्टली परफेक्ट फॉर द रोल। उसको वो रोल मिल गया एंड गांधी वर्सेस गोडसे की जर्नी मेरी चालू ही नहीं हो सकी। सो ये सब हुआ, उसके बाद यू नो कोविड चालू हो गया एंड अनफॉर्चुनेटली वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बैड बॉय कंप्लीट किया मुझे एक गांधी वर्सेस गोडसे करके एक फिल्म थी
उसमें अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन वो क्रैक नहीं हो पाया। उसके बाद मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी मेरी एक मराठी फिल्म साइन हो गई थी। उसके बाद दो हिंदी फिल्म्स एज अ यू नो एज अ लीड एक्टर साइन हो गए थे। मैं चाहता हूँ कि मैं यू नो वो प्रोडक्शन हाउस का नाम बता दूँ, लेकिन यू नो कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं एंड जो कि मैं नहीं बोल सकता। सो वो काफ़ी हो गया था। एंड वो फिल्म्स मैंने लिखे भी बाय द वे, बिकॉज मुझे लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। सो मैंने वो बहुत ही अच्छे से लिखी थी एंड आई वॉज लाइक ये चलो अच्छा है, एक टीम सेटअप कर, एक नया प्रोडक्शन नहीं एक नॉन प्रोडक्शन हाउस था एंड नया स्टारकास्ट था। एंड बिकॉज मैंने बैड बॉय किया था, उसके वजह से मुझे, वो बोलते हैं ना जब भगवान भगवान जी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, तो वही चीज़ हो गया था। सो काफ़ी बैड बॉय के तुरंत एक इवन बिफोर द रिलीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लोग यू नो जस्ट मैं बोलता था कि मैंने यहाँ पे एक्टिंग की है एंड मेरा एक शो रील होता था, उसके ऊपर से मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली स्टार्टेड चेंजिंग। कमर्शियली डेफिनेटली मैं एप्सिलॉन मीडिया कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे मेरी लाइफ चेंज हो रही थी एंड वो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। तो मैंने तीन फिल्म साइन कर लिए थे एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड मैन, आई वॉज लाइक अब तो मैं आ रहा यू नो सबसेट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कोविड चालू हो गया एंड कोविड के बाद थिंग्स वर नॉट दैट ग्रेट। वो दोनों तीनों जो फिल्म थे उसमें जो मराठी फिल्म थी वो क्रैश हो गई। दे वर लाइक अभी कोविड है, कैसा क्या सिचुएशन है वो पता नहीं। सो पीपल ऑलमोस्ट लेफ्ट द फिल्म, चालू ही नहीं हुई, अभी भी चालू नहीं है। एंड उसके बाद जो दो फिल्म थे उसमें से एक देर वॉज दिस वेरी वेरी एक्सट्रीमली सीनियर एक्टर विद अस एंड वो अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट विद अस, तो वो फिल्म पिकअप नहीं हो पाई। एंड मैं वही चाहता था कि यार एक रीडिंग हो जाए उनके साथ, तो वो काफ़ी यू नो टेक ऑफ होने से पहले ही प्लेन पुक थोड़ी क्रैश सी हो गई। सो एनीवेज, सो कुछ नहीं, उसके बाद मैं लगा अपने बिजनेस पे, स्टे हिप्पो एंड साज विला लोनावला, एंड ये करते 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 मेरी अपॉइंटमेंट, अभी मेरे पास एक बैड बॉय करके फिल्म आई जो मुझे अभी पता नहीं मेरा मेरी लाइफ क्या ट्रेजेक्टरी लेगी, या फिर मैं अपनी वैसी नॉर्मल लाइफ है तो नॉर्मल लाइफ में घुस जाऊंगा। अगर बैड बॉय ने कुछ अच्छा किया मेरे लिए, जो कि आई होप वो अच्छा करे एंड आई जेन्युइनली बिलीव वो अच्छा करेगी, एक अच्छे इंटेंट के साथ वो फिल्म बनाई गई है, सो आई जेन्युइनली बिलीव कि वो फिल्म काफ़ी अच्छा करेगी। सो बस कुछ नहीं, आई वॉज वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज कि बैड बॉय से पहले एंड बैड बॉय के बाद एक छोटी सी लाइफ में चेंज हुई थी, छोटी सी लाइफ चेंज हुई थी जो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप भी मेरी फैमिली हो, जब चालू किया था मेरे पास 0 सब्सक्राइबर्स है एंड टुडे ओ माय गॉश मेरे पास 250 लोग मुझे देखना चाहते हैं, जो मेरे लिए इट्सेल्फ बहुत बड़ी बात है। एंड मैं वैसे तो बहुत ही शाय हूँ एंड एक्टिंग करते 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 थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कैमरा के सामने बोलने का। सो बस और कुछ नहीं, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको आप और अगर इफ़ यू कैन हेल्प मी इम्प्रूव इन समथिंग डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ, पीस।